ओम श्री गणेशाय नमः। प्रिय भक्तों, हम सभी को यह जानने की उत्सुकता होती है कि मृत्यु के बाद आखिर आत्मा के साथ क्या होता है, तो आइए जानते हैं गरुड़ पुराण में इसके बारे में क्या लिखा गया है। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार बात करें तो मनुष्य का जीवन जितना सत्य है उतना ही बड़ा सत्य है कि उसकी मृत्यु, जो इस मृत्यु लोक में आया है, एक ना एक दिन उसकी मृत्यु अवश्य होती है। परंतु मनुष्य यह बात जानते हुए भी इस सच्चाई से भागता है और पैसा कमाने के लिए अपने जीवन में ना जाने कितने पाप कर्म करता है, जिसका कारण है मृत्यु के इस रहस्य की जानकारी न होना। मृत्यु के बाद पाप कर्म के कारण उसकी आत्मा को ना जाने कितने कष्ट भोगने पड़ते हैं, जिसका वर्णन हिंदू धर्म के 18वें महापुराण में से एक गरुड़ पुराण में किया गया है। गरुड़ पुराण के अनुसार जिस मनुष्य की मृत्यु होने वाली होती है, वह मनुष्य बोलना बंद कर देता है, उसकी सभी इंद्रियां शिथिल पड़ जाती है। जब अंतिम समय निकट आता है तब परमात्मा के द्वारा उसे एक दिव्य दृष्टि मिलती है, जिससे वह सारे संसार को एक रूप में देखने लगता है। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि मृत्यु के समय दो यमदूत आते हैं, जो कि देखने में बड़े ही भयानक होते हैं। यदि मरने वाले प्राणी ने पुण्य कर्म किया है तो वह आसानी से अपने प्राण त्याग देता है, परंतु यदि वह पापी होता है तो वह यमदूत के भय से ग्रस्त होकर बड़े ही कष्ट से अपने प्राण त्यागता है। तत्पश्चात यमदूत उसे यमलोक ले जाते हैं। यमलोक का रास्ता अंधेरे और गर्म बालू से भरा होता है। फिर यमलोक पहुंचने पर उसे यातनाएं दी जाती है। फिर उसे यमराज के कहने पर 13 दिन तक अपने उत्तम कार्यों को संपन्न करते हेतु आकाश मार्ग से फिर उसके घर पर छोड़ दिया जाता है। घर आकर वे जीवात्मा पुनः अपने शरीर में प्रवेश करने का प्रयास करते हैं, परंतु यमदूत के बंधन से वे मुक्त नहीं हो पाते और भूखे प्यासे के कारण रोता रहता है। गरुड़ पुराण के अनुसार मृत व्यक्ति के वंशजों को 10 दिनों तक पिंडदान अवश्य करना चाहिए, क्योंकि पिंडदान से ही आत्मा को चलने की शक्ति प्राप्त होती है। तत्पश्चात मृत्यु के 13वें दिन यमदूत आत्मा को फिर से पकड़ लेते हैं और फिर शुरू हो जाती है उसकी यमलोक की यात्रा। इस सफर में आत्मा को 47 दिन तक वैतरणी नदी पार करनी होती है। इस तरह भूख और प्यास से बेचैन आत्मा यमलोक में पहुंचती है। यमलोक में भगवान चित्रगुप्त उस प्राणी के सभी कर्मों का लेखा जोखा यमराज को देते हैं। फिर उस आधार पर यमराज यह निश्चित करते हैं कि पापी आत्मा को किस नरक में भेजा जाएगा। इसलिए हमारे हिंदू शास्त्र में या फिर किसी भी धर्म में देख लीजिए, बुरे कर्म का परिणाम बुरा और अच्छे कर्म या फिर पुण्य कर्म का परिणाम अच्छा होता है, और हर एक धर्म में उसको अच्छा माना गया है। आशा करते हैं भक्तों को आपको वीडियो पसंद आई होगी। कुछ कमेंट है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। मिलते हैं ऐसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।